संग्राम है तो कहीं पैगंबर के प्रचार के लिए गैर मुस्लिमों की प्रतियोगिता पर बवाल मचा हुआ है। सागर के स्कूल का मामला शांत हुआ भी नहीं था कि उज्जैन में पैगंबर के प्रचार के लिए आयोजित प्रतियोगिता में हिंदुओं के आमंत्रण पर विवाद हो गया है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर एक्शन लिया है और इसे तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी उज्जैन को तत्काल आदेश दिया है कि ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई जाए। केवल हिंदुओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता से उनकी नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था, उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाएं। इस मामले को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान में लेते हुए उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को प्रतियोगिता पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले में एसपी का कहना है कि गृह मंत्री द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी लोग इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे उनकी जानकारी जुटाकर इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गई है। अब शहर में इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी। गृह मंत्री के सख्त रवैये के बाद इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने वाले संगठन पैगामे इंसानियत ने तत्काल स्थगित कर दिया है। जो पोस्टर सामने आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पैगंबर के बारे में जो गैर भाई बहन भाग लेंगे उनको एक बार का शुल्क ₹50 देने होंगे। पैगंबर को लेकर सवाल के सभी जवाब देने पर फर्स्ट अवार्ड ₹21,000, सेकेंड अवार्ड ₹15,000, थर्ड अवार्ड ₹10,000, जबकि 50 लोगों को ₹1,000 से लेकर ₹500 के नगद इनाम दिए जाएंगे। इस पोस्टर के सामने आते ही प्रदेश में बवाल मच गया है। हालांकि गृह मंत्री के निर्देश पर इसे तुरंत स्थगित कर दिया गया।